नमस्कार, स्वागत है आपका कलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आज हम बातचीत करेंगे दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से। देखिए, मनीष सिंह जी का जो बैकग्राउंड है ना, मनीष जी के बैकग्राउंड को समझने की जरूरत है कि उन्होंने देश की सेवा की है। जो व्यक्ति देश के बॉर्डर पे खड़ा होकर देश की सेवा करता है, -50 डिग्री में हम समझते हैं, 0 डिग्री में हम लोग, जब 4 डिग्री 5 डिग्री हमारे यहाँ ठंड होती है तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। उन्होंने -50 डिग्री में खड़े होकर देश की सेवा की है। तो जो देश की सेवा करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो बड़ा ही ईमानदार होता है और जिम्मेदार होता है। जो जिम्मेवारी लेता है वो जिम्मेवारी निभाता है। तो मनीष जी वैसे ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इस विधानसभा से जब ये चुन के आएंगे, जब जनता मैंडेट देगी, तो निश्चित है दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं हैं। हमने देखा, सबसे बड़ी समस्या अभी पॉल्यूशन की समस्या है। हर एक व्यक्ति, लोग कहने 40-40 सिगरेट पी रहा है, आपके न्यूज़पेपरों में छपा है, हर तरीके से हमने देखा है। तो पॉल्यूशन हटाने के लिए इस पूरे क्षेत्र में स्मॉग टावर तो जरूर लगाया जाएगा, ये मनीष जी का अपना निश्चय है। मनीष जी और अपना विधानसभा स्तर पर मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, जो आप तक सब लोगों तक पहुँच जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, सिर्फ मनीष जी की नहीं, जो पूरी दिल्ली की बात है। देखिए, मैं अभी आपका पेपर पढ़ रहा था, कैलांचल टाइम्स जो आपका पेपर आता है, इसमें आप लोगों ने कितना अच्छा छापा है। देखिए, यहाँ पे जो प्रमाण पत्र है, आपने ही छापा है। देखिए, फोटो के साथ जिस किसी व्यक्ति को प्रमाण पत्र मिल रहा है अनाधिकृत कॉलोनी को अधिकृत करने का, तो ये देखिए दिल्ली में कितनी बड़ी समस्या थी। लोगों के घर तोड़ रहे थे, लोग में डर बना हुआ था, इतना पैसा लगा के लोगों में एक डर बना हुआ था कि उनके घर कब टूट ना जाए, कभी कोई नोटिस ना आ जाए, कोई परेशान ना कर दे। मोदी सरकार ने संसद में कानून बना के ये पास कर दिया कि हर एक व्यक्ति को उसके घर का मालिकाना हक मिलेगा। ये छोटी बात है क्या? ये इतने लंबे समय से लड़ाई चल रही थी, लोग इस पे कितने कितने तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे थे, तो सरकार ने एक झटके में कर दिया। आप लोगों को पता है कि जहाँ पे भी झुग्गी है वहाँ पे मकान बनाने के लिए DDA ने सर्वे शुरू कर दिया है, मोदी जी ने इसकी मुहिम शुरू कर दी है। तो इतना बड़ा जो यहाँ भी जो झुग्गियाँ हैं वहाँ मकान बनकर मिलेगा। पानी और बिजली 24x7, पानी टोटी से आएगा, पानी शुद्ध पानी टोटी से आएगा। अभी का जो जहरीला पानी, सीवर वाला पानी नहीं, शुद्ध पानी आएगा। उसका एक पूरा प्रारूप है, ब्लूप्रिंट तैयार है। बस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, यहाँ से मनीष सिंह जीत के आएंगे और ये सारे विकास के कार्य इस क्षेत्र में होने हैं। देखिए, ये क्या है, ये तो पार्टी का निर्णय होता है क्यों चुना। बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे पार्टी में काम करते हैं, लेकिन मनीष जी में जरूर वो योग्यता थी जो हमारे शिष्य नेतृत्व को दिखा। इतना संघर्षशील व्यक्ति, एक सेना से, एक फौज से आया हुआ व्यक्ति, लोगों के सुख दुख में लगातार खड़ा होने वाला व्यक्ति, शीर्ष नेतृत्व का लगा कि ये व्यक्ति ही इस क्षेत्र का अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकता है, तो शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें मौका दिया। मनीष जी एक तो सेना है और उसके बाद यहाँ दिल्ली कैंट में 6 बरस योगदान दिए हैं इस कैंप में, और ये देशभक्त हैं और भारतवंशी हैं, और ये इस क्षेत्र से पूरे बाकायदे परिचित हैं, सभी से समस्या को ये जानते हैं कि यहाँ कैसे हम करेंगे तो कैसे यहाँ विकास होगा, कैसे इसको सुधारेंगे। जो अभी तक नहीं सुधरा है वो मनीष जी सुधार के यहाँ रखते हैं। नहीं विश्वास है तो एक बार आजमा के देखिए, जिस तरह मिट्टी का बर्तन को खरीदते समय ढंडना के आवाज़ करके देखते हैं कि इससे आवाज़ आता है कि नहीं, उसी तरह इनको चेक कीजिए कि इनको में आवाज़ है कि नहीं। इस तरह ये इस दिल्ली कैंट को अच्छा स्तर पर ले जाएंगे और अच्छा बना के दिखाएंगे, और ये देश का नेता नहीं, ये बेटा भाई के रूप में काम यहाँ करके दिखाएंगे जनता के साथ। चुनावी मुद्दा यही है कि जो जहरीली जो प्रदूषण है इससे मुक्त कराना है, जो पानी नहीं आता है उसको पानी 24 घंटा का वादा किए हैं, बिजली का वादा किए हैं, बिजली 200 मीटर जो मुफ्त किया है अरविंद केजरीवाल, ये 500 मीटर कर देंगे, उससे ज़्यादा विकास करके दिखाएंगे। विकासशील आदमी है और भारतवंशी है। मनीष जी इसलिए चाहिए क्योंकि मनीष जी ने पूरे देश के लिए सैनिक के रूप में सेवा करी है और अब क्षेत्र की सेवा करेंगे। जो केजरीवाल है वो केजरीवाल नहीं, फर्जीवाल है। मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि हमारे दिल्ली के अंदर में टॉप 10 स्कूलों के अंदर में हमारा नाम आया है। अगर उनका दिल्ली के अंदर में सबसे 10 टॉप स्कूलों के अंदर में नाम आया है तो केजरीवाल के बच्चे अमेरिका में क्यों पढ़ रहे हैं? जब से यहाँ का जो कमांडो सुरेंद्र सिंह आप पार्टी का जो MLA था, वो 5 साल तक आप क्षेत्र के अंदर में दिखा नहीं। सारी विडो पेंशन बंद हो गई, सारी बुजुर्गों की पेंशन बंद हो गई, विकलांगों की पेंशन बंद हो गई। ये दिल्ली छावनी की जो विधानसभा है
वो अपना एमएलए के बारे में उनको पता ही नहीं कौन था, कौन है, कौन था। अब मनीष भाई को पार्टी ने उतारा है, वो अपने क्षेत्र को संभालेंगे। और भाई को बहुत जोर शोर से सब आशीर्वाद भी पूरी जनता दे रही है। तो सर, यहाँ के इस क्षेत्र की जनता को लगता है कि मनीष जी अपनी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? मनीष जी ने पहले सेना के अंदर में रह के पूरे दिल्ली छावनी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए काम किया है और देश को सेवा दी है। तो उनको पार्टी नेतृत्व को लगा कि मनीष जी अपने कैंट के अंदर में सेवा, अपनी पूरी सेवाएं दे पाएंगे, इसलिए मनीष जी को पार्टी ने टिकट दिया है। और सारा दिल्ली छावनी का कार्यकर्ता, सारी भारतीय जनता पार्टी मनीष जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रही है। और 11 तारीख को वो विजय दिवस के रूप में विजय होगी और भारी बहुमतों से विजय बनाएंगे। मनीष जी इस क्षेत्र से। मैम, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि मैं खुद ही एक सेना का पुत्र हूँ और उसकी डिसिप्लिन को मैं पूरी तरीके से समझ सकता हूँ। मेरे पिताजी जब सेना की सेवा करके घर पे छुट्टी पे आते थे तो आसपास के जो साफ़ सफाई वाले क्षेत्र थे उस पे ध्यान देते थे। तो ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति पे सेना में नहीं लागू होता, सेना में एक समान रूल ऊपर से लेके नीचे रैंक तक वालों पे लागू होता है। और मनीष भैया के अंदर मैंने वो काबिलियत देखी है। और मैम, एक सेना से आया हुआ व्यक्ति कभी भी भ्रष्ट नहीं हो सकता। जनता इसलिए उनके ऊपर विश्वास करेगी क्योंकि भारतीय सेना ही अभी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे आप भ्रष्टाचार नहीं पाएंगे। हमारे आला कमान नेताओं ने, बड़े नेताओं ने मनीष भैया को इसलिए चुना क्योंकि दिल्ली कैंट से इसलिए टिकट दिया क्योंकि यहां आने के बाद वो जमीनी स्तर से जुड़कर देखेंगे कि यहां की क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या उनको फेस करना है। जो इंसान, मैम अभी आप पेपर में एक दिन पढ़ी होंगी कि मनीष भैया ने अपने खाते से जो वहां पे आग लगी थी 1,00,000 रुपये स्वयं अपनी तरफ से दिया। मैम, आप इसी से उनकी ईमानदारी का वजूद समझ सकती हैं कि जो इंसान अभी सत्ता में रहते हुए भी अपने पैसे को 1,00,000 रुपये स्वयं के बैंक बैलेंस से जनता के लिए लगा रहा हो तो वो पार्टी में आने के बाद क्या कभी भ्रष्टाचार होने की कोशिश करेगा? और मैम, मैं एक बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली की जो सरकार है, 3 महीने की, सिर्फ 57 महीने इन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश को, दिल्ली को बर्बाद किया। 3 महीने 200 यूनिट लड़कियों को फ्री बस, फिर उसके बाद फ्री पानी। मैम, आप एक दिन में 50,000 लीटर पानी दीजिए, अगर उस पानी की गुणवत्ता नहीं है तो इंसान अगर वो एक बूंद भी पानी पीता है तो वो जहर के समान है। मैम, अभी आला कमान का एक मैं देख रहा था, एक मैनिफेस्टो में एक रिपोर्ट आई कि दिल्ली में रहने वालों इंसान की, दिल्ली में प्रॉपर रहने वाले इंसानों की आयु मात्र 52 साल है। किस लिए है? सरकार इस पे विशेष ध्यान क्यों नहीं दे पा रही है? केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम टॉप क्लास के स्कूल बनवाए। आपने टॉप क्लास के स्कूल बनवाए सिर्फ दो, दिखाने के लिए कि कहीं जर्मनी का राष्ट्रपति आए, फ्रांस का राष्ट्रपति आए तो आप उसको वो स्कूल दिखा के अपनी छवि बनाइए। केजरीवाल जी, काम हमेशा ज़मीनी स्तर पे होता है और ज़मीनी स्तर काम करने का तरीका इस बार आपको, जनता जब भाजपा को दिल्ली प्रदेश से बहुमत से लाएगी ना, तब आप देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में काम करने का क्या तरीका होता है। मनोज तिवारी जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने ये वादा किया है कि हम सरकार में आने के बाद, कोई झूठा वादा नहीं मैम, आने के बाद उन्होंने कहा है कि हम हर घर में टोटी में पानी पहुंचाएंगे, नल का साफ पानी पहुंचाएंगे। मैम, आज की इस सनातन धर्म में सबसे बड़ी चीज़ है, जीती जागती अगर कोई तहजीब है तो गंगा और जमुना। मैम, आप दिल्ली के जमुना क्षेत्र में जाके चले जाइए, वहाँ पे एक अच्छा आदमी, वो आस्था का केंद्र मानी जाती हैं, सनातन धर्म की आस्था हैं। अगर आप, हम सनातन धर्मी अगर उसको सही तरीके से जोड़ के देखें तो वो जीते जागते भगवान है हमारे लिए। आप उनके बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। नाले का पानी, वहाँ जाइए तो नाले का भी पानी इतनी तेज बदबू नहीं करता है जैसे जमुना मैया का पानी बदबू करता है। हमारे पूर्वांचल मोर्चा के प्रतिनिधित्व करने वाले मनीष भैया, मैं खुद साक्षी हूँ, वो जाके खस्ती में, जब हम लोग के यहाँ का एक प्रोग्राम होता है, त्यौहार बहुत अच्छा होता है गोरखपुर में, उन्होंने वहाँ पे जाके संकल्प लिया कि अगर भाजपा सरकार बीजेपी में आ गई तो जिस तरीके से इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ में लोग, आज आप जाके देखिए वहाँ के जल की क्या दशा है, उसी तरीके से माँ जमुना भी शुद्ध होंगी। ये तब शुद्ध होंगी जब ये इंसान
अपनी स्वार्थ की राजनीति को छोड़ के, अपने स्वार्थ से परे आके जब वास्तव में देश के विकास की ओर बढ़ेंगे, तब उनको वास्तव में पता चलेगा विकास क्या होता है। केजरीवाल जी, आप तो शर्म करिए कि आपने एक सैनिक को पहले ही धोखा दे दिया था। आप अन्ना हजारे जी के अनशन में कौन नहीं जानता है कि केजरीवाल कहां से उठे और कहां से उनको लोग जाने, लेकिन आपके जब उनके छोड़ के जाने के बाद अन्ना हजारे जी ने खुद कहा कि मैंने अपने अनशन में एक कीचड़ को जगा दिया। अब आप यही समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति से, दुनिया में तीन ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो सार्वभौमिक तौर पे सही होती हैं, एक माँ और बाप जो आपको जन्म देते हैं, और दूसरा होता है गुरु जो आपको जीवन के मार्गदर्शन पे पहुँचाता है, जीवन की राहों पे पहुँचाता है। अगर आप गुरु की नज़रों में फेल हो गए तो जीवन में आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। केजरीवाल जी, आज मैं इस मीडिया के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सत्ता सुख बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आपने जिस तरीके से दिल्ली की जनता के साथ ठगी की है, आपको आने वाली 8 फरवरी को वही दिल्ली की जनता जवाब देगी। अक्टूबर महीने से बसों में किराया माफ़ कर दिए, 200 यूनिट बिजली के बिल फ्री कर दिए, गंदा पानी लोगों को पिला रहे हैं, तो इससे क्या आप समझ रहे हो कि आपकी वो 57 महीने की हुई गलतियां वो छुप जाएंगी? जनता आपको ज़रूर जवाब देगी। केजरीवाल जी, आप पढ़े लिखे तो हो, वास्तव में तो पढ़े लिखे हो, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप जनता के बारे में सोच कर काम नहीं कर रहे हो। आप लोग अपनी राजनीति के चक्कर में इन भोली भावली जनता के साथ वो कर रहे हो। दिल्ली में जब आग उठती है, पुआली उठती है, तब आप कहते हो कि हरियाणा पंजाब से आई है, हरियाणा और पंजाब से यहाँ पे पर्यावरण खराब हो रहा है। केजरीवाल जी, आप बता दीजिए कि 2.57 मानक है, आज क्या स्थिति है? अब तो हरियाणा का पॉल्यूशन भी खत्म हो गया, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने भाई गौतम गंभीर जी को, जिन्होंने इस कदम पे काम करना चालू किया। उन्होंने आज देख लीजिए एयर पॉल्यूशन इंडेक्स लगाया, और उसमें मानक सूची में आप देखिए, खुद नज़ारा देखिए कि एक हफ्ते में वायु प्रदूषण कितना कम हुआ। और हम दिल्ली वासियों से एक अपील करते हैं कि कोई भी जजमेंट लेने से पहले आप अपने भविष्य के बारे में ज़रूर सोच लेना। देश की स्थिति इस समय हमारी विरोधी पार्टियों ने इतनी कमज़ोर कर दी है कि अगर आने वाले दिनों में देश नहीं सुधरा तो देश जिस गर्त में जाने वाला है उसको कोई बचा नहीं सकता। हम समस्त भाइयों से हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं कि आने वाली 8 फरवरी को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत बनाने के लिए और अच्छे से काम करने के लिए आप अपना बेस कीमती वोट सिर्फ और सिर्फ ईमानदार दिल्ली कैंट से बीजेपी और पूरे दिल्ली में कमल का फूल खिलाइए और मोदी जी को और ताकतवर बनाइए और दिल्ली के विकास में अपनी भूमिका निभाइए। इसी बातों के साथ मैं यहां से मोदी जी के कहे शब्दों के हिसाब, भारत माता की जय। तो आज हमने बातचीत की कैंट के विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार के समर्थकों से। अगले दिन फिर मिलते हैं अगले विधानसभा में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।